नमस्कार दोस्तों, ओल्डिस प्रोडक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सीताराम। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि कई लोग ये कहते हैं कि हम सबसे अच्छा सैटेलाइट फाइंडर कौन सा लें। सबके दिमाग में कंफ्यूज रहता है। आपकी जगह मैं भी हूं तो दोस्तों मेरे भी कन्फ्यूज रहे, क्योंकि मैं डिस्क का काम करूं, आप डिस्क का काम करें, आपको सैटेलाइट फाइंडर की आवश्यकता होती है, तो आप सोचते हो कि सबसे बेस्ट कौन सा हो, जो ख़राब ना हो, जो अच्छा हो। लेकिन दोस्तों यहां मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप सैटेलाइट फाइंडर के बारे में पूरी जानकारी समझ सकते हो। यहां मैं आपके लिए 2-3 सैटेलाइट फाइंडर लेके आया हूं, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और अनबॉक्सिंग भी करूंगा, तो पूरा वीडियो आप देखें। तो दोस्तों यहां वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे अच्छा सैटेलाइट फाइंडर यहां हमें कई कंपनियों के मिलते हैं। अब बात करते हैं सोलिड का, जो सैटेलाइट फाइंडर आता है वो भी बहुत अच्छा आता है, यूरी का आता है वो भी बहुत अच्छा आता है, डीवीसी का आता है वो भी बहुत अच्छा था, कोलेडोरा भी आता है वो बहुत अच्छा था। लेकिन खराब कौन सा? खराब कोई सा भी नहीं है, सब दोस्तों यूज करने के ऊपर होता है कि हम जैसे कोई सैटेलाइट फाइंडर का हम सावधानी से पूरा सेफ्टी से रखेंगे तो हमारा जो सैटेलाइट फाइंडर कभी खराब नहीं होगा। अगर हम थोड़ा सा लापरवाही करेंगे, थोड़ा सा दिमाग से, जैसे मान लो काम हो गया, कचरे के तेज़ बैग में डाल दिया, कई डिस्प्ले टूट गई, कई क्या हो गया, तो ऐसे बहुत जल्दी खराब होते हैं। और आज भी जो मैं सैटेलाइट फाइंडर लेके आया वो भी मैं आपको अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा कि छोटे छोटे सैटेलाइट फाइंडर है, बड़े बड़े सैटेलाइट फाइंडर है। लेकिन जो मेन सवाल था कि हम कौन सा परचेज करें, तो दोस्तों मैंने आपको 4-5 सैटेलाइटों के नाम बताए, वो सैटेलाइट फाइंडर आप परचेज कर सकते हो। और कई लोग कहते हैं वारंटी गारंटी आती है इनकी, दोस्तों मेड इन चाइना प्रोडक्ट आते हैं, इनकी एक दिन की भी वारंटी गारंटी नहीं आती है। सवाल ये भी उठेगा कि इन जो सैटेलाइट फाइंडर में जो टीपी वगैरह एक्यूरेट आती है, ये आपका सबसे बहुत अच्छा सवाल है। कल एक ही ने कमेंट किया था, आप उसके बारे में वीडियो बनाओ कि सैटेलाइट फाइंडर हम परचेज करते हैं तो उसमें टीपी फ्रीक्वेंसी एक्यूरेट भरी हुई आती है या नहीं आती है। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप सैटेलाइट फाइंडर परचेज करोगे तो उसमें टीपी वगैरह का पूरा सिस्टम आता है, लेकिन टीपी फ्रीक्वेंसी उसमें पूरी सही नहीं आती है। कुछ कुछ सैटेलाइटों की उस पर सही आती है, कुछ की उस पर गलत आती है। अब मान लीजिए मैं आपको एक सैटेलाइट फाइंडर बता रहा हूँ, सबसे छोटा सैटेलाइट फाइंडर बता रहा हूँ, इसमें दोस्तों 6-7 सैटेलाइटों की टीपी भरी हुई आती है, लेकिन ये जो ये टीपी भी है ना, इसमें कुछ गलत आती है। इनमें क्या होता है दोस्तों, आप कोई भी सैटेलाइट फाइंडर परचेज करोगे तो आपको टीपी फ्रीक्वेंसी आपको ही ऐड करनी होती है। अगर आप टीपी फ्रीक्वेंसी ऐड करना नहीं जानते तो मेरा ओल्डिस इन्फो यूट्यूब चैनल है, फ्री डिश रिपेयर यूट्यूब चैनल है, वहाँ विजिट कर सकते हो, वहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन इस जो सैटेलाइट फाइंडर में टीपी वगैरह आपको ही डालनी होती है, टीपी डालना, फ्रीक्वेंसी डालना बहुत ही सिंपल तरीका होता है। ये जो सैटेलाइट फाइंडर है बहुत ही सस्ता है, यानी आपको पहले इसकी दोस्तों 2500-2800 के बीच में थी, लेकिन अभी कुछ ही प्राइस ये 3000 तक पहुंच चुकी है। लेकिन ये एक छोटा सा प्रोडक्ट है जो इनबॉक्सिंग के लिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, और जो यूरी का जो बड़ा प्रोडक्ट है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, तो पूरा वीडियो आप देखो। अब यहाँ बात करते हैं यूरी का जो टॉप मॉडल, यानी ये मॉडल आप देख रहे हो, ये मॉडल सबसे बेस्ट है। ये ओनली बहुत ही पुराना मॉडल है, इसे आप देख सकते हो, यूरी का 999DX मॉडल है। जब इसकी जो प्राइस थी 6200 रुपये तब मैंने ये परचेज किया है, और आज भी इसकी कंडीशन आप देख सकते हो कि मैं 5-6 साल से एक ही मीटर यूज कर रहा हूँ और इसी बैटरी को यूज करता हूँ। इसमें बैटरी प्रॉब्लम थी तो मैंने अलग से बैटरी लगा दी है। अब ये मॉडल आ चुका है 2500 mAh की बैटरी में, नया अपग्रेड हो चुका है, और इसकी भी वारंटी गारंटी कहीं पे भी नहीं आती है, और कहीं से भी अगर आप परचेज करो तो वारंटी गारंटी आपको नहीं मिलेगी। इन मैटर में दोस्तों टीपी फ्रीक्वेंसी सब कुछ ही आपको ही सेटअप करना होता है। अगर आप सही फ्रीक्वेंसी ऐड करोगे तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, वीडियो देख के आप ऐड कर सकते हो। तो ये जो सैटेलाइट फाइंडर है पुराने मॉडल का है, अभी जो नया लेटेस्ट आ चुका है जो आपको 4,400 रुपये के अप्रोक्स में मिल जाता है, और यह मैंने आपको प्राइस बता दी। तो दोस्तों दोनों की मैंने आपको बताई। बात करते हैं सोलिड के SF720, ये भी दोस्तों बहुत अच्छा सैटेलाइट फाइंडर है। अगर आप इसे भी परचेज करना चाहे तो इसमें आप परचेज कर सकते हो, लेकिन जो टीपी फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताई है वो आपको ही ऐड करनी होती है, इनमें गलत आती है। और बेस्ट सैटेलाइट फाइंडर तो वही है जिसे हम सेफ्टी से रखेंगे, वही हमारे लिए बेस्ट सैटेलाइट फाइंडर है। ऐसा नहीं है कि सैटेलाइट फाइंडर कोई खराब होता है, यह होता है कि कुछ सैटेलाइट फाइंडरों का बैकअप अच्छा होता है, सैटेलाइट कैचिंग पावर अच्छी होती है। तो जो अगर सैटेलाइट कैचिंग पावर की जो बात करते हैं, फटाफट सैटेलाइट कैच करें, तो मैंने आपको ये वाला मॉडल बता दिया, 999DX है ये वाला मॉडल है। इस मॉडल को परचेज करने से पहले दोस्तों आप इस सैटेलाइट बारे में पूरी जानकारी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है ओल्डिस इन्फो यूट्यूब चैनल पर, उस पर आप पूरी विजिट कर सकते हो, उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल डाल रखी है। तो कई लोगों के सवालों के ऊपर दोस्तों मैंने आपको 2 सैटेलाइट फाइंडर की अनबॉक्सिंग बताई है कि दोनों सैटेलाइट फाइंडर बेस्ट है, सोलिड का बेस्ट है, DVC 111 बेस्ट है, जो अभी नया वर्जन आ रहा है।
तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर न भूलें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट की जानकारी आपको मिले। अगर दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ पूछना, आपके कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए।